हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिसिंग पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 13 इयर्स। कई बार पेशेंट को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हमारे दांतों में फिलिंग करा दो, रूट कैनाल मत कराओ, या फिर रूट कैनाल वाला दांत है तो उसमें फिलिंग क्यों नहीं कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पेशेंट के माइंड में रहते हैं, और अगर आपके माइंड में भी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, एंड अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। सबसे पहले जानते हैं कि दांत में फिलिंग की क्यों जरूरत होती है और दांत में रूट कैनाल की क्यों जरूरत है, क्यों हम कहते हैं कि दांत में रूट कैनाल कराना पड़ेगा या फिर दांत में फिलिंग करा लीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि दांत की जो स्ट्रक्चर होता क्या, दांत की एनाटॉमी हम सबसे पहले देखेंगे। तो जैसे कि फोटो आपको दिख रही है, तो दांत की हर एक दांत की 3 लेयर्स होती है। जो आउटर लेयर होती है जो आपको दिखती है वो हम इनेमल बोलते हैं, जो व्हाइट कलर की जो आपको दिखती है फिर उसको हम इनेमल बोलते हैं। ये लेयर बहुत स्ट्रांग होती है, ये आपके दांतों को प्रोटेक्शन देती है। और उसके अंदर की जो लेयर होती है इसको हम डेंटिन बोलते हैं, ये हल्का सा येलोइश कलर का होता है। तो जैसे कि मिडिल लेयर आप देख रहे हो, तो मिडिल लेयर इसको हम डेंटिन बोलते हैं, ये बहुत सेंसिटिव होती है। तो अर्थ लेयर जैसे कि आप देख रहे हो, इसको हम पल्प बोलते हैं, ये नर्व वेसल्स होती है यानी कि नसें प्रेजेंट होती है। अभी अगर आपकी आउटर लेयर टूट गई है, ब्रेक हो गई किसी भी वजह से, चाहे वो कैविटी लगी हो या फिर पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है तो आउटर लेयर टूट जाती है, या फिर घिसने की वजह से, बहुत सारे रीजंस होते हैं, उस वजह से अगर आउटर लेयर चिप आउट हो गई है, निकल गई है, तो इनर लेयर बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी पेशेंट को लगता है। तो इस टाइम पे पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैम ठंडा गर्म लग रहा है, कुछ भी खा रहे हैं कुछ भी पी रहे हैं तो उनको महसूस होता है। या कभी कभी पेशेंट ऐसा बोलता है कि एक छोटा सा होल हो गया है दांतों में, एंड कभी कभी उस पर खाना फंसता है। ये अगर ऐसे सिम्टम्स है तो इसका मतलब आपका डेंटिन की जो लेयर है वो एक्सपोज हो गई है। तो ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं तो इनमें हमें फिलिंग करनी पड़ती है, डेंटल फिलिंग करनी पड़ती है। एंड लेकिन कभी कभी पेशेंट ऐसे सिम्टम्स लेके आता है जैसे कि पेन है, स्वेलिंग है, खाते वक्त उनको पेन हो रहा है, एंड खाना फंसने की वजह से पेन हो रहा है, ये सोते वक्त उनको पेन है, स्वेलिंग बन गई है, वहाँ से पस निकल रहा है, कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ से पस डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये सारे अगर सिम्टम्स लेके आए हैं तो इसका मतलब है आपका जो कैविटी है, आपका जो इन्फेक्शन है, वो आपकी इनर मोस्ट लेयर यानी कि नर्व तक पहुँच गई है, जिसको हम पल्प कहते हैं, वहाँ तक पहुँच गई है। तो उस केस में अगर पेशेंट आता है तो उस टाइम पर फिलिंग नहीं होगी, उस टाइम पर रूट कैनाल होता है। तो कई बार पेशेंट इस केस में हमारे पास आता है और हमसे कहते हैं कि मैम प्लीज़ फिलिंग कर दो। तो फिलिंग पॉसिबल नहीं है, अगर मैं वहाँ पर फिलिंग करूँगी तो आप डेफिनेटली मेरे पास तुरंत आने वाले कि मैम मेरी स्वेलिंग आ गई है, ये सूजन आ गई है वहाँ पे फेस में, हॉरेबल पेन होगा। तो वो फीलिंग पॉसिबल नहीं है। अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट आपको कराना है तो वो रूट कैनाल ही होगा, उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। एंड फीलिंग वाली जगह मैंने आपको बता दिया कि फीलिंग के सिम्टम्स अलग हो, तो आप अपने घर बैठ के देख सकते हैं कि आपको किस तरीके के सिम्टम्स है, उस तरीके का आपका ट्रीटमेंट प्लान होने वाला है। तो आज की वीडियो में यही तक था। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट कि फिलिंग क्या होता है और रूट कैनाल क्या होता है, या फिर रूट कैनाल वाले दांत में इतना बड़ा होल आपको दिख रहा है और उसमें चाहते हैं कि आप फिलिंग करा दें, तो पॉसिबल ही नहीं है, उसमें आपको पेन हो जाएगा। एंड मैं यही तक था। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।